हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर भुर्जी की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप 2 मीडियम टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 2 लहसुन की कली लेकर उसका एक प्यूरे बना लीजिए। अब एक पैन में ऑयल गरम कीजिए और इस ऑयल में आप उस प्यूरे को डाल दीजिए और इसको आपको कम से कम 4-5 मिनट तक पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची, पिंच ऑफ हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट और इन्हें अच्छे से पकाएंगे। जब मसाले अच्छे से पक जाएं तो इसमें आप स्क्रम्बल किया हुआ पनीर ऐड करिए, साथ में डालिए कटी हुई हरी धनिया, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला और इसे फिर से 2-3 मिनट के लिए पकाइए। अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और पानी के ड्राई होने तक इसे फिर से पकाएंगे। और ये देखिए, आपकी पनीर भुर्जी तैयार है। आप इसे तंदूरी रोटी और नॉर्मल रोटीज के साथ खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टू गेट बेस्ट होम रेमेडीज एंड फूड रेसिपीज। यू नेक्स्ट वीडियो।